माई डियर पेरेंट्स ऑफ द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, हम सब अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उनको बड़ा लाड लड़ाते हैं और उनकी सारी फरमाइशें पूरी करते हैं। माई डियर फ्रेंड्स, अगर उनके फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने उनको कुछ लेके दिया है और हमारे बच्चे अगर कहते हैं कि हमने भी ये चीज़ बाय करनी है, तो हम उनकी सारी फरमाइशें पूरी करते हैं। लेकिन माई डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती कि स्कूल गोइंग बच्चों को पेरेंट्स मोटर बाइक और स्कूटर दे देते हैं। ये मैंने तो देखा है अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में, बच्चों को मोटरसाइकिल चलाते हुए स्कूल के बाहर ट्रिपलिंग करते हुए और फिर हाथ छोड़ के चलाते हुए, तो ये चीज़ें जो हैं, और फिर नेक्स्ट डे चोटें लगवाते हुए और फिर भी हंसते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो चलो ऐसी बातें हैं कि चलो बच्चे लेके आ रहे हैं मोटरसाइकिल स्कूटर, तो ठीक भी चला लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनको बिल्कुल ही चलाना नहीं आता। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो उनके साथ जो है एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो जाते हैं और उनकी चोटें जो हैं, आपको पता है चोट लगना आसान है लेकिन उसको ठीक होने में कई बार लाइफ टाइम लग जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब तक हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि वो 18 साल के बाद ही लाइसेंस देती है, तो हम एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों के प्यार में, उनके लाड में, हम उनको हार्म कैसे पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने बच्चों को स्कूटर मोटरसाइकिल मत दें जब तक उनकी 10th नहीं हो जाती, प्लस वन प्लस टू, मतलब जब तक कि गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं करती, लाइसेंस नहीं देती, आप भी उनको स्कूल कॉलेजेस में ऐसे व्हीकल्स मत दें, उनको वैन्स में और बसेस में ही भेजें। मैंने ऐसा देखा है कई बार मैथ्स का एग्ज़ाम होता है, 10th के स्टूडेंट होते हैं और वो सारी रात जाग के जो है एग्ज़ाम उन्होंने नेक्स्ट डे देना होता है, जब वापसी पे घर आते हैं तो दे आर नॉट केपेबल ऑफ ड्राइविंग देयर व्हीकल, समटाइम दे हैव बैड एक्सपीरियंस। माई डियर फ्रेंड्स, सो प्लीज़ पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को या तो खुद छोड़ के आएँ एग्ज़ाम्स में लेके आएँ, या फिर वैन्स और बसेस ही ठीक रहेंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।